अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मिस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 1.27 1.27 इलेक्ट्रोडायनामिक्स डीजे ग्रेफ्स की बुक, फोर्थ एडिशन की बुक से है। तो इसमें हमने क्या करना है, प्रूव द डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। हमने प्रूव करना है कि किसी भी कर्ल का अगर हम डाइवर्जेंस लें तो वो हमारे पास जीरो होता है हमेशा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल डेल डॉट, ये हमारे पास डाइवर्जेंस होता है ऑफ अ कर्ल डेल क्रॉस एनी फंक्शन वी। तो वी हम फंक्शन लेते हैं, ये हमारे पास कर्ल है, इसके जब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो वो हमारे पास जीरो आना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम वी फंक्शन, क्योंकि हमें गिवन है, तो वी फंक्शन हम वी को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। वी एक्स एक्स हेड प्लस वी वाई वाई हेड प्लस वी जी वी हेड। अब कर्ल पहले, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट में होता है वो पहले सॉल्व हम करते हैं, तो डेल क्रॉस वी हम ब्रैकेट वाले पहले ले लेते हैं। तो एक्स हेट वाई हेट जी हेट पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल वाई पार्शियल पार्शियल जी आ जाएगा। जो कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है वो आ जाएंगे। अब एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वी का कंपोनेंट वी एक्स है, वाई की डायरेक्शन में वी वाई है, और जी की डायरेक्शन में वी वाई वी जी है। क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम जैसे हम करते हैं कर वी क्रॉस डेल क्रॉस वी, जैसे हम कर फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या मेथड है, पहले हम ये रो कॉलम योर रो छोड़ लेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में एन को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बीच में माइनस आएगा और इनको आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल वाई इंटू जी वी जी माइनस पार्शियल पार्शियल जी वी वाई, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये हम छोड़ लेंगे, ये रो और कॉलम छोड़ लेंगे हम, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पार्शियल पार्शियल एक्स वी जी माइनस आ जाएगा बीच में, और पार्शियल और पार्शियल जी वी एक्स ये आ जाएगा। सिमिलरली हम जी के लिए हम इसी तरह कर लेंगे, तो जी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रो और कॉलम हम छोड़ लेंगे, स्किप कर लेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये पार्शियल पार्शियल एक्स वी वाई बीच में माइनस आएगा, और ये पार्शियल पार्शियल वाई वी एक्स आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी जो डेरिवेटिव हमने लेना है वो हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेल के साथ है तो डेल क्रॉस, अब हम क्या करेंगे, डेल डॉट इंटू डेल क्रॉस वी आ जाएगा। तो इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल के साथ, जब डॉट प्रोडक्ट आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें हम जो हमारे पास सेम देखो एक्स हेट है, डायरेक्शन इसमें गिवन है, इसमें भी ये एक्स हेट है, वाई हेट है, और ये जी हेट है। तो जो एक्स हेट डॉट एक्स हेट, ये सिमिलरली हमारे पास आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के होते हैं, जो कि वन के इक्वल, और बाकी जो हमारे पास डिफरेंट के होते हैं वो हमारे पास जीरो हो जाते हैं। तो ये जो एक्स के कंपोनेंट है इसके साथ आएगा, यानी पार्शियल पार्शियल एक्स, और ये पार्शियल पार्शियल वाई, तो पार्शियल और पार्शियल एक्स, और यानी पार्शियल मल्टीप्लाई पार्शियल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पार्शियल और पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई वी जी आ जाएगा, बीच में माइनस है माइनस आ जाएगा। सिमिलरली फिर क्या है, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स पार्शियल जी आ जाएगा, सॉरी पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स पार्शियल वाई आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, वी जी आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो है y के लिहाज से, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर बीच में देखो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल y पार्शियल z ये आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा, माइनस है तो पार्शियल पार्शियल स्क्वायर पार्शियल y पार्शियल x आ जाएगा, ये वाला पार्शियल x और ये वाला हमारे पास जो है पार्शियल y, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास z के लिहाज से, तो ये पार्शियल और पार्शियल z है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल z पार्शियल x पार्शियल z, ये पार्शियल x आ गया, वी वाई है माइनस है पार्शियल स्क्वायर, ये पार्शियल y और ये पार्शियल z, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो z डायरेक्शन में है हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो y वाला डायरेक्शन है तो ये पार्शियल और पार्शियल y सिर्फ इस टर्म के साथ, ये वाला जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो x वाला है वो सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इधर ये आई थिंक मिस्टेकली लिखा गया है, तो ये देखो जब पार्शियल और पार्शियल एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पार्शियल स्क्वायर, और नीचे पार्शियल एक्स और पार्शियल जी आएगा, और साथ में ये वी जी आएगा, ठीक है। और इधर वी वाई है, ये वी वाई हो जाएगा,
ये मिस्टेकली लिखा गया है, ये वी वाई वाई हो जाएगा, ऊपर वी वाई आ रहा है और नीचे हमारे पास देखो वी जी आ रहा है, वी एक्स और ये वी जी, ठीक है, ये वी वाई है, ये ठीक है, ये वाला ये वी वाई है, नीचे वी जी है, तो ये पार्शल एक्स पार्शल जी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जी, और ये वी वाई है, वी जी नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखो क्या है कि हमारे पास ये सेम आ रहा है, कैसे सेम आ रहा है, पार्शल स्क्वायर पार्शल एक्स पार्शल वाई, देखो वी जी है और नीचे पार्शल एक्स पार्शल वाई है, नीचे पार्शल एक्स पार्शल वाई है और ये वी जी है, तो ये देखो हम इसका वी जी का डेरिवेटिव के लिहाज से भी देखें तो हम एक्स के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हैं और वाई के लिहाज से, तो इधर वी जी है ये जीरो हो जाएगा, सिमिलरली ये, या देखो सेम है पार्शल एक्स पार्शल वाई पार्शल एक्स पार्शल वाई, ऊपर भी पार्शल स्क्वायर वी जी और पार्शल स्क्वायर वी जी, तो इससे ये माइनस करेंगे तो ये जीरो, सिमिलरली ये हमारे पास ये प्लस का ये माइनस जीरो, तो इस पार्शल एक्स पार्शल पार्शल वाई पार्शल जी पार्शल वाई पार्शल एक्स हमारे पास देखो ये भी हमारे पास इसी तरह सेम आ रहे हैं, पार्शल वाई के लिहाज से करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा टर्म जो है ये हमारे पास पार्शल वाई पार्शल एक्स आ जाएगा, ये वाले कंपोनेंट, तो ये हमारे पास सेम है और ये भी सेम है, तो ये हम क्या कर लेंगे इज इक्वल टू जीरो बाय इक्वालिटी ऑफ क्रॉस डेरिवेटिव, क्रॉस डेरिवेटिव के लिहाज से हम क्या कर लेंगे जीरो कर लेंगे, ये पार्शल जी है पार्शल और पार्शल जी पार्शल पार्शल एक्स पार्शल पार्शल वाई पार्शल पार्शल एक्स पार्शल पार्शल वाई पार्शल पार्शल वाई पार्शल पार्शल जी, और ये भी हमारे पास पार्शल और पार्शल जी है, और ये पार्शल पार्शल एक्स पार्शल पार्शल जी पार्शल नहीं सॉरी एक मिनट, पार्शल और पार्शल एक्स पार्शल पार्शल वाई, और ये हमारे पास ये वाले टर्म एक्स है और इधर जी है और इधर वाई है और इधर जी है, पार्शल पार्शल वाई और पार्शल पार्शल जी, तो ये हमारे पास देखो सेम आ जाते हैं सारे, तो ये हमारे पास फिर बाय इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी क्रॉस डेरिवेटिव इजी हो जाए। अच्छा इसको हम दूसरे तरीके से भी एक कर सकते हैं, अगर हम जनरल वी फंक्शन को हम क्या करें कंसीडर कर लें लेट कर लें, ये लेट हम दूसरे तरीके ये है कि हम वी फंक्शन को कंपोनेंट में डिवाइड ना करें बल्कि हम अपनी तरफ से एक सिंपल फंक्शन ले लें, वी इज इक्वल टू एक्स एक्स हैट प्लस वाई वाई हैट प्लस जी जी हैट, तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पार्शल पार्शल वाई जी माइनस पार्शल पार्शल जी वाई आ जाएगा। अब देखो पार्शल पार्शल वाई जी, जी को हम पार्शल वाई के लिहाज से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, सिमिलरली ये जी है और ये वाई है तो ये हमारे पास जीरो, सिमिलरली ये हमारे पास देखो ये जी है एक्स के लिहाज से डिवाइड हो रहा है, ये एक्स है जी के लिहाज से डिवाइड हो रहा है, ये वाई है एक्स के लिहाज से और ये जी है वाई के लिहाज से डिवाइड हो रहा है, तो डिफरेंट है ये और डिफरेंट के लिहाज से ये डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास जीरो आ जाता है, तो इसको हम यहाँ ये सारा जीरो हो जाता है, तो डेल डॉट इंटू डेल क्रॉस वी, अब डेल क्रॉस वी हमारे पास ये जीरो आ गया, इसका हम जब डेल डॉट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसके साथ डेल के साथ यानी डाइवर्जेंस लेते हैं तो हमारे पास जीरो आ जाता है, तो इस तरह भी हम सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको बाय इक्वेटी, ये नीचे वाले हमारे पास सारे सेम आ जाते हैं क्योंकि दोनों के एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ एक माइनस, तो हम बाय इक्वालिटी ऑफ क्रॉस डेरिवेटिव हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया जीरो। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है इसी क्वेश्चन का, हमारे पास चेक एट फॉर द फंक्शन एंड प्रॉब्लम 1.15 1.15, तो 1.15 में जो हमारे पास फंक्शन है वी ए हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स हैट प्लस 3x जी स्क्वायर वाई हैट माइनस 2x जी जी हैट है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका भी हमने क्या प्रूव करना है वही कि डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ये हमने जीरो प्रूव करना है टू प्रूव, तो उसी तरह पहले हम इसका डाइवर्जेंस ले लेंगे कर ले लेंगे ब्रैकेट वाला पहले हम सॉल्व करेंगे, डेल क्रॉस वी ए हमारे पास तो ये हमारे पास माइनस एक्स एक्स जी एक्स हेट प्लस 2x वाई हेट प्लस 3 जी स्क्वायर एक्स हेट, ये हमने पहले भी प्रॉब्लम 1.18 में हमने सॉल्व किया है, तो प्रॉब्लम 1.18 में आपने जो ऊपर वीडियो हम गिवन मैंने अपलोड किए हैं उसमें आप देख लें, तो 1.18 में आपने प्रॉब्लम में ये डेल क्रॉस वी आपने फाइंड किया होगा, तो ये हमने वहां से डायरेक्ट लिखा है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आएगी तो आप वो प्रॉब्लम 1.18 देख लें तो इससे आपको ये आपके पास आ जाएगा डेल क्रॉस वी आपके पास आ जाएगा ये
और इसका अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डेल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल एक्स सी है, हम डेल की वैल्यू लिख लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो है उसका एक्स के साथ यानी पार्शियल पार्शियल एक्स माइनस सिक्स एक्स एक्स डॉट एक्स आपके पास वन आ जाएगा, सिक्स एक्स जी है। फिर पार्शियल पार्शियल वाई ये हमारे पास इधर वाई डायरेक्शन में टू जी है तो टू जी आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल जी ये थ्री जी स्क्वायर है। डेरिवेटिव सिंपली ले लेंगे, ये हमारे पास एक्स कांस्टेंट माइनस सिक्स जी कांस्टेंट होगा और पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू एक्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन की इक्वल आ जाएगा, तो माइनस सिक्स एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास पार्शियल वाई के लिए डेरिवेटिव रहा है इधर टू जी है तो ये जीरो आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास थ्री कांस्टेंट एक्ट करेगा, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर टू पहले आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल यानी टू जी आ जाएगा और पार्शियल और पार्शियल जी इंटू जी आपके पास वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई टू जी आपके पास सिक्स आ जाएगा। ये हमारे पास कैसे होगा, ये हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है ये कैसे आएगा, ये हमारे पास आएगा नहीं, ये थ्री कांस्टेंट आ जाएगा डॉट टू पहले आ जाएगा और ऊपर जी पावर टू माइनस वन, और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये हमने पहले पावर के लिहाज से डिरिवेट किया और ये हम फंक्शन के लिहाज से पार्शल, ये पार्शल है पार्शल पार्शल जी और ये फंक्शन यानी जी के लिहाज से अलग डिरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वन की इक्वल आ जाता है ये, और ये हमारे पास टू माइनस वन तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई टू जी आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव के डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल हमारे पास क्या आ जाता है, ऑलवेज हमारे पास जीरो होता है। तो ये हमने प्रूव करना था इसमें, इस प्रॉब्लम में। तो आज के लिए इतना काफी, अगर आपको मेरे वीडियो से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।